तो दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से ना क्लासिक 650 करके उनका एक न्यू 650 सीसी वाला बाइक आने वाला है इसी इंडियन मार्केट में। तो उसका ही कुछ अभी न्यू 8 कलर्स ऑप्शन जो है कॉन्सेप्ट वाला तो वो अभी सामने आ चुके हैं, जो कि आगे एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है ना, तो इनके तरफ से इनका एक न्यू क्लासिक 650 करके बाइक आने वाला है। तो उसका ये अभी एक न्यू भाई 8 कलर्स ऑप्शन जो है कॉन्सेप्ट वाला तो वो अभी सामने आ चुके हैं। तो भाई एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो भाई आप लोग ये ब्लैक कलर को देख सकते होंगे, जो कि भाई पूरे तरीके से ब्लैक है इस वाले बाइक में। और देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक के अंदर ये जो ब्लैक कलर है ना, तो ये टैंक से लेके सीट और इसके ही साथ साथ मडगार्ड सामने का या फिर पीछे के टायर का और इसके ही साथ भाई इस वाले बाइक के ही जो हेड वाले पार्ट में है तो उसमें भी। बाकी देख ही सकते होंगे ये जो ब्लैक कलर है ना, तो इसके साथ में इस वाले बाइक के अंदर ये जो क्रोम का फिनिश जो देखने को मिल रहा है ना, चाहे वो इंजन में या फिर हेडलाइट के ऊपर या फिर भाई सामने का जो सस्पेंशन सेटअप है तो उसमें भाई काफी ज्यादा बेहतरीन तो लग ही रहा है। साथ में क्रोम वाला जो फिनिश है तो वो आपको एग्जॉस्ट में भी देखने को मिल रहा है। साथ में एक और भी कलर देख ही सकते होंगे कि क्रोम और इसके ही साथ ग्रीन कलर के ही कॉम्बिनेशन में एक न्यू कलर ऑप्शन है, जो कि देख ही सकते होंगे ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग तो लग ही रहा है। देख ही सकते होंगे ये जो क्रोम कलर है ना, तो वो इस वाले बाइक के लगभग सभी पार्ट में है। लेकिन भाई जो ग्रीन कलर है ना, तो वो इस वाले बाइक के ही टैंक के देख ही सकते होंगे ऊपर देखने को मिल रहा है। साथ में भाई इस वाले बाइक का जो सामने का हेडलाइट वाला पार्ट है ना, तो उसमें भी देखने को मिला है और इसके ही साथ साथ सामने के सस्पेंशन सेटअप में। जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो ग्रीन कलर है तो ये क्रोम के कॉम्बिनेशन में है। और इसके अलावा देख ही सकते होंगे और भी कलर ऑप्शन है, जो कि देखने में भाई स्काई ब्लू टाइप का कलर है। और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो कलर है ना, तो ये भी भाई इस वाले बाइक के ही सभी जगह पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो हेडलाइट वाले पार्ट में या फिर भाई टैंक में या फिर इस वाले बाइक के ही भाई राइडर सीट के नीचे के ये बॉक्स में या फिर सामने के मडगार्ड या फिर पीछे के मडगार्ड में। लेकिन इसके भी साथ में आपको जो कॉम्बिनेशन देख रहा है ना भाई क्रोम का, तो ये भी काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है एग्जॉस्ट टाइप से लेके और इसके ही साथ इंजन में भी और सामने के भाई टायर के देख ही सकते होंगे बाजू में सस्पेंशन सेटअप के निचले भाग में भी। और इसके अलावा एक और भी भाई कलर ऑप्शन सामने आए हैं, जो कि देख ही सकते होंगे आपके सामने है। और ये भी आप लोग देख ही सकते होंगे कि भाई ये डुअल टोन कलर है, जो कि ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में है। और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो भाई कलर है ना, तो ये भाई सच में ही काफी ज्यादा बेहतरीन तो लग ही रहा है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो ब्लैक कलर ना, तो ये भी भाई इस वाले बाइक के ही सामने के मडगट से लेके पीछे के मडगट और इसके ही हेडलाइट वाले पार्ट में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई टैंक वाला जो पार्ट है ना, तो उसी जगह पर ब्लैक और रेड का जो मिक्स कॉम्बिनेशन है ना, तो वही कुछ देखने को मिल रहा है कलर्स में। और इसके अलावा राइडर सीट के नीचे की ये बॉक्स जो है ना, तो इसी जगह पर भी देखने को मिल रहा है रेड कलर। और इसके अलावा एक और भी कलर देखने को मिला है, जो कि ग्रीन और कॉपर कलर के ही कॉम्बिनेशन में है। जैसे कि देख सकते होंगे ये जो कलर है ना, तो ये भी भाई इस वाले बाइक के ही अंदर आपको देखने को मिल रहा है जो ग्रीन कलर, तो वो इस वाले बाइक के ही सामने के हेडलाइट वाले पार्ट में और इसके ही साथ साथ भाई इस वाले बाइक के ही सामने के मडगट में और इसके अलावा पीछे के मडगट में भी और इसके ही ससद इस वाले बाइक के ही भाई टैंक के ही थोड़ा सा निचले भाग में जो है ना, तो वो आपको ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है। साथ में भाई देख ही सकते होंगे ये जो कॉपर कलर है ना, तो ये भी भाई राइडर सीट के नीचे वाले बॉक्स में देखने को मिल रहा है। साथ में भाई टैंक के ऊपर भी, मतलब ये जो कलर ऑप्शन है ना, तो ये भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और इसके अलावा ये एक और कलर ऑप्शन है, जो कि देख ही सकते होंगे रेडिश टाइप का कलर है। और ये जो कलर है ना, तो ये इस वाले बाइक के ही पूरे के पूरे तरफ जो है ना, तो वो देखने को मिल रहा है सिर्फ भाई इस वाले बाइक के ही एग्जॉस्ट पाइप और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के इंजन को छोड़ के। और देख ही सकते होंगे ये जो रेडिश टाइप का कलर है, तो ये इस वाले बाइक के ही भाई टैंक से लेके सामने के मडगार्ड या फिर पीछे के मडगार्ड या फिर भाई हेडलाइट वाले पार्ट में भी देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा भाई राइडर सीट के नीचे वाले बॉक्स में भी आपको ये रेडिश टाइप का कलर देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई इसके अलावा एक और भी कलर है, जो कि आपके सामने है और देख ही सकते होंगे ये भी जो कलर है ना, तो ये भी भाई डुअल टोन कलर के अंदर अंदर आपको देखने को मिल रहा है मेनली, जिसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है इस वाले बाइक का ही जो टैंक है ना, तो वो भाई पूरे तरीके से रेडिश कलर में। बाकी इस वाले बाइक का जो और दूसरा पार्ट है ना, जैसे कि देख सकते होंगे इस वाले बाइक का मडगार्ड सामने का या फिर पीछे के टायर का और इसके अलावा इस वाले बाइक का ही जो हेडलाइट वाला पार्ट है ना, तो वो पूरे तरीके से ब्लैक है। और इसके अलावा सीट के नीचे वाले बॉक्स में भी देख सकते होंगे ब्लैक कलर जो है ना, तो यही कुछ देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा भाई लास्ट में एक ये कलर है, जो कि देख सकते होंगे ये भी एक डुअल टोन वाला कलर है, जिसके अंदर आपको मेनली देखने को मिल रहा है जो ब्लैक कलर ना, तो वो इस वाले बाइक के ही हेड वाले पार्ट में और इसके ही सामने के मडगार्ड में और भाई सस्पेंशन सेटअप में भी
सामने वाले और इसके ही ससत पीछे के मडगट में भी और इस वाले बाइक ही भाई राइडर सीट के नीचे वाले बॉक्स में भी, मतलब ये सारे जगह पर जो है ना तो वो ब्लैक कलर देखने को मिला है, लेकिन जो ग्रे कलर है ना तो वो आपको देखने को मिला है इस वाले बाइक के टैंक में। बाकी आप लोग देख ही सकते होंगे कि इस वाले बाइक के भी जो टैंक के ऊपर जो आपको रॉयल एनफील्ड देखने को मिल रहा है ना तो वो एक न्यू स्टाइल में लिखा गया है जो कि हर एक बाइक कलर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। बाकी बात कुछ ऐसा है कि भाई अभी के डेट में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से ना ये शायद से पहले बार होगा जो कि आपको देखने को मिलेगा कि दोनों 650cc वाले मॉडल्स एक साथ लॉन्च होने वाले हैं। मतलब ऐसे ही अभी एक न्यू रूमर चल रहा है जिसके अंदर एक आपको देखने को मिलेगा ये रॉयल एनफील्ड का ही भाई क्लासिक 650 और इसके ही ससद एक और भी मॉडल है जो कि है BR650 करके। तो जो भी है, लेकिन भाई ये जो एक मॉडल है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिला है ब्रेकिंग सिस्टम में डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल ABS और इसके अलावा भाई इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप तो उसके अंदर LED का सपोर्ट है और इसके ही ससद भाई स्पोक होल्स तो देख ही सकते होंगे इस वाले मॉडल में। बाकी इस वाले मॉडल का जो इंजन है तो वो भाई 47 BHP तक का जो मैक्सिमम पावर है तो वो कुछ डिलीवर कर सकता है और इसके ही ससद ये जो मॉडल आपको मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करके देगा ना तो वो है 52 Nm तक। और इसके अलावा 6-speed के गियरबॉक्स के ही साथ साथ एक्सपेक्ट अभी यही कुछ किया जा रहा है कि इस वाले मॉडल के साथ में आपको असिस्टेंट सिल्वर क्लच वाला जो ऑप्शन है तो वो कुछ देखने को मिलेगा। बाकी देख ही सकते होंगे ये जो क्लासिक 650 है तो इसके सामने आपको देखने को मिले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और इसके अलावा पीछे देखने को मिले भाई कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक भी। बाकी भाई जो मीटर कंसोल होने वाला है ना इस वाले बाइक में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इस वाले बाइक का जो मीटर कंसोल है तो वो पूरे तरीके से डिजिटल टाइप का होने वाला है जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन जो कनेक्टिविटी है ना तो वो प्री इंस्टॉल होने वाले हैं रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से। बाकी इस वाले बाइक का जो लॉन्च डेट अभी बोला जा रहा है ना तो वो है 2025 के शुरुआती महीनों तक। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।